आपको यहाँ पर 350 लोगों ने ये किसको मेडिसिंस डिस्ट्रीब्यूट हुई और उनको हमने किट बना के दिया। गांधी ग्लोबल फैमिली ने 500 से ऊपर ये कैंप्स लगाए हैं ड्यूरिंग कोविड के दौरान। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक है, ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है। जैसा कि आजकल कुछ डॉक्टर्स नहीं है, कुछ बड़े लोगों ने इसको एक बना दिया है कि आयुर्वेद को एलोपैथी के सामने लाके खड़ा कर दिया है। मैं इस समय जम्मू के पकड़ंगा में हूँ, पुलिस स्टेशन पकड़ंगा का एरिया है। यहाँ पर आयुष मंत्रालय द्वारा जो है यहाँ पर एक अवेयरनेस कैंप जो है उसका आयोजन किया गया है। मेरे साथ तमाम लोग हैं, इनसे सीधी बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा किस तरीके का ये कैंप लगा रहे हैं और कहाँ कहाँ अब तक जो है ये कैंप लगा चुके हैं और किस तरीके का रिस्पांस जो है वो आम जनता में देखने को मिल रहा है। सर, आज आपकी यहाँ पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो कैंप लगाया गया है उसमें जो मेडिसिन की जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लोगों के बीच में, किस तरीके का ये कैंप लगाया गया और लोगों को आप क्या अवेयर कर रहे हैं और किस तरीके का रिस्पांस जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है? मेरा नाम अमित वर्मा है और मैं गांधी ग्लोबल फैमिली से जुड़ा हूँ और यहाँ पर कुछ टाइम पहले यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गांधी ग्लोबल फैमिली जी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर SP वर्मा साहब ने और हमारे SHO साहब ने यहाँ पर किसको टीम आई थी और सब लोगों को यहाँ पर 350 लोगों ने ये किसको मेडिसिंस डिस्ट्रीब्यूट हुई और उनको हमने किट बना के दिया और ये उनको समझाया कि ये जो इम्यूनिटी बूस्ट जो मेडिसिंस हैं वो हमने उनको दी। ये जो मेडिसिन है ये पार्टिकुलर किसी डिजीज में देनी या फिर आप ये इम्यूनिटी बूस्टर डोजेज जो है इम्यूनिटी बूस्टर के साथ ये है? तो लोगों में किसी का उत्साह देखने को मिल रहा है? अभी तक ये आपका कितना कैंप जो है लगा चुके हैं जम्मू और कहाँ कहाँ लगा चुके हैं? गांधी ग्लोबल फैमिली ने 500 से ऊपर ये कैंप्स लगाए हैं ड्यूरिंग कोविड के दौरान और ये 500 से ऊपर ही कैंप लगाया हुआ और हमने यह तीसरी बार यहाँ पर किसको कैंप लगाया पुलिस स्टेशन में और हम सोच रहे हैं कि इनसे बातचीत करेंगे। अलग अलग डिफरेंट SHO जो जैसे बख्शीनगर है, जैसे अपना गांधीनगर है, डिफरेंट एरियाज़ के जो पुलिस स्टेशन है हम उधर अवेयरनेस कैंप लगाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। और जो हमारा मेन था कि जो हमारा किसको जो देश की सेवा करते हैं और जो नेशन की सेवा करते हैं सबसे पहले उनको भी थोड़ा सा बूस्ट किया जाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बढ़ने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं तस्वीरें, मैं आपको लाइव जो है वो वर्कफेस माध्यम से दिखाना चाहता हूँ और डायरेक्टर ऑफ आयुष जैन के ड्यूटी सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके तहत जो है वो आयुष के द्वारा जो तमाम मेडिसिन जो हैं जिसमें आपको इम्यूनिटी डोजेज जो है वो दी जा रही हैं, मेडिसिन जो है वो सप्लाई की जा रही है और अब तक ये 500 से ज़्यादा कैंप्स लगा चुके हैं। और एक बार फिर से ये जम्मू के पुलिस स्टेशन पकड़ंगा जो है वहाँ की तस्वीरें हैं और यहाँ पर 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें जो है उनको उन्होंने अभी तक किट्स जो बनाकर सप्लाई कर दी और लोगों में काफ़ी उत्साह जो है वो दिख रहा है। हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, इनसे सीधी बातचीत करते हैं क्योंकि आज की दौर की अगर बात करें तो हमें कुछ भी छोटी सी भी दिक्कत आती है तो हम एलोपैथी की तरफ जो है तो फौरन जो है वो रुख करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अगर हम अपना इतिहास को दोहराएं तो उस समय एलोपैथी के बजाय हम किस तरीके से अपने आप को जो है स्वस्थ रखते थे, इम्यूनिटी किस तरीके से हमारी स्ट्रांग रहती थी और आज की डेट की अगर बात करें तो वो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग हैं। इसके पीछे कारण क्या है और इन मेडिसिन को इंसान अगर अपनी लाइफ में यूज़ करता है तो कितना बेनिफिट जो है कंपेयर करेंगे एलोपैथी से उन्हें मिलेगा, उससे सीधी बातचीत करता हूँ। मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। माय नेम इज़ डॉक्टर कामिनी। मैम, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि एलोपैथी को और अगर हम बात करें जो हर्बल मेडिसिन रहती हैं हमारे जैसे आयुष की तरफ जो मेडिसिन बनाई जा रही हैं, क्या कंपैरिजन रहता है? क्योंकि आज जब एलोपैथी का निर्माण नहीं हुआ तो उस समय भी चिकित्सा से जो लोग थे वो ठीक होते थे और उनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग रहता था। आज की डेट में छोटे बच्चे से लेकर एक बड़ा इंसान जो है उनको जो है पैदा होते ही जो है डिसऑर्डर्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। डिजीज़ नहीं कहेंगे उनको, डिसऑर्डर्स कहेंगे क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। तो इसे किस तरीके से लेते हैं और लोगों जब आप अवेयर कर रहे हैं तो कितना रिस्पॉन्स जो है उनसे भी देखने को मिल रहा है?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक है ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है, जैसा कि आजकल कुछ डॉक्टर्स ने या कुछ बड़े लोगों ने इसको एक बना दिया है कि आयुर्वेद को एलोपैथी के सामने लाके खड़ा कर दिया है, जबकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ पे जैसे इमरजेंसी है, जैसे कोई सर्जरी है, वहाँ पे हमें एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास ही जाना चाहता है, लेकिन आयुर्वेद उसमें कैसे हेल्प कर सकता है कि उस कंडीशन तक ही ना पहुँचा जाए कि सर्जरी हो। बहुत एक्सट्रीम एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, जैसे कोई जेनेटिक ही डिसऑर्डर है जिसमें किसी के बच्चे को अगर पैदा होते ही हार्ट में, जैसे हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में होल है, उसमें उसको सर्जरी की, वहाँ पे हम आयुर्वेद को नहीं लेके आ सकते। इसलिए मैं पहले तो ये कहती हूँ कि इसको एज ए कॉम्पिटिशन नहीं देखना चाहिए। ये है कि हम आयुर्वेद हमारी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा है जो हमारे मतलब हमारे भारत में शुरुआत से रहा है। आयुर्वेद को हम एज अ पैथी भी यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारी दादी नानी जो हमें नुस्खे देते जो हर्बल मेडिसिन है वो हमारे घर घर में यूज़ होती है। बस ये है कि लोगों को उसके लिए जागरूकता नहीं है जी। हमारा डिपार्टमेंट आयुष डिपार्टमेंट डॉक्टर मोहन सिंह जी जो हमारे डायरेक्टर हैं और हमारे सुरेश शर्मा जी ADM, वो हमारा इस टाइम ये काम है कि हम लोगों को आयुर्वेद के लिए जागरूक कर सकें ताकि उनका ये रुझान जो इस साइड है वो बढ़ सके कि उनको एलोपैथी की ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत एक्सट्रीम केसेस में पड़े लेकिन उनकी ऐसे ही आप कहें कि उनकी लाइफ स्टाइल, जैसे आपने अभी बोला लाइफ स्टाइल डिस्टॉर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो निजी जीवन है उसमें ही कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। ये कैंप लगाने का एक उद्देश्य तो जो हमारी ये महामारी है इसने लोगों को एक ये मौका दिया है कि हम अपनी पैथी की तरफ जा सके, जबकि आपने अब देखा ही है कि एलोपैथी की जगह लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसमें एलोपैथी में नए नए प्रयोग रोज हो रहे हैं, लेकिन ये जो प्रयोग जो आयुर्वेद में हुए हैं ये सदियों से आजमाए हुए। यही लोगों में जागरूकता डाले, एक तो कोरोना महामारी के प्रति कि उससे कैसे बचा जा सके, और जो दूसरी भी बीमारियां हैं, देखिए लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा तभी वो जाके आगे तरक्की या प्रोग्रेस आप कह सकते हैं कर सकेगा। तो बस यही हमारा काम है कि हमारी पैथी से लोगों को जितना हम ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके उनको हम फ्री की मेडिसिन, कई करोड़ों की मेडिसिन है जो अभी तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, लाखों लोगों को हम फ़ायदा पहुंचा चुके हैं, और ये सिर्फ ये अर्बन या सिटीज़ की बात नहीं, दूर दूर पहाड़ी इलाकों पे ऐसे ऐसे जगह पे यहाँ पे अभी तक शायद सड़कें भी ना बनी हो वहाँ हमारे डॉक्टर्स जाके ये मेडिसिन उनको पहुँचा रहे हैं। बस यही है, आप सबका सहयोग चाहिए, ऐसे ही लोग जागरूक होते रहे और हमारा देश आगे। इज बेटर देन क्योर ऐसे ही नहीं कहा जाता, उसका इतिहास है जिस वजह से ये प्रोवर्ब जो है जो बोली जाती है, और आयुष जो है एक पहल करी गई है जिसके द्वारा आज की इस महामारी में जिस इंसान का इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था वो इस महामारी में इस महामारी को फाइट बैक दे सका, और जिसका इम्यूनिटी सिस्टम जो था वो वीक था वो इस महामारी से जंग हार गया जी, हमने अपनी आंखों के सामने देखा। आयुष की एक पहल जिसके द्वारा एक बार फिर से इंसानों को जागरूक किया जा रहा है किस तरीके से वो उस फेज तक ना पहुँचें जिसमें उन्हें जो है वो डिजीज़ लगे और उसके बाद उन्हें एलोपैथिक इस्तेमाल करनी पड़े। एक पहल बहुत अच्छी पहल है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पूरा दिन कामकाज करते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान करना कहीं भूल जाते हैं, और अगर हम जे इसको अपनी लाइफ में हम डेवलप करते हैं इन आयुष के जितने भी हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं तो उससे कहीं ना कहीं बीमारी से बचा जा सकता है। रिपोर्ट देखकर आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर। अदर ओरा के साथ शुभम लंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए, जय हिंद।